सबके बारे में। माता का जो सिर जो है कटा हुआ जी, माता का जो दो सेवक जो है इंगला और बिंगला जी, जो कि एक पाया पर ही स्थित है, एक पाया पर स्थित है, क्योंकि माता का जो भी मन्नत लोग मानते हैं वो पूरा होती है, पूरा होती है। और ये मंदिर जो है वो पूरी तरह से तंत्र विज्ञान पर आधारित मंदिर है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज मैं आप सभी लोग को ऐसी जगह पर लेके जाने वाला हूं जो कि बिहार में मात्र वो एक ही जगह है, और वो मंदिर है जो कि माँ छिन्नमस्तिका माता का मंदिर, जो कि कांटी मुजफ्फरपुर में स्थित है। तो अभी मैं आप सभी लोग को वहाँ ले जाऊँगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी मैं मिलता हूँ आप लोगों से डायरेक्ट मंदिर में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। दोस्तों, अभी मैं छिन्नमस्तिका मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ, जो कि अभी मैं बाइक से आया हूँ। बाइक देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ। तो देखिए, ये हमारे पीछे जो छिन्नमस्तिका माता का मंदिर है, तो चलिए आप लोग को मंदिर के अंदर पूरा दर्शन करवाता हूँ। तो चलिए, वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, ये छिन्नमस्तिका मंदिर माता का, और ये मंदिर जो है वो पूरी तरह से तंत्र विज्ञान पर आधारित मंदिर है। पूरे भारतवर्ष में ये दूसरा माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, जो कि आप लोग देखिए ये मेरे पीछे। तो अभी मैं यहाँ पे पैर हाथ धो के उसके बाद माता के दरबार में जाता हूँ अंदर, और आप लोग को पूरा मंदिर का जो दर्शन है और मंदिर का जो इतिहास है वो आप लोग को। दोस्तों, चलिए अब अंदर मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये मेरा फ्रेंड है जो कि साथ में हम और ये आए हैं, तो अविनाश नाम है। तो ये देखिए मंदिर के अंदर का जो नज़ारा, चलिए मंदिर के अंदर। दोस्तों, ये मंदिर के अंदर हम लोग आ चुके हैं, और ये देखिए आप लोग, भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे हवन ये सब होता है माता का, जो छिन्नमस्तिका माता है उनका, और ये सामने प्रसाद वगैरह सब मिलता है। तो प्रसाद लेने के बाद फिर आप लोग को मंदिर के अंदर का व्यू दिखाएंगे, वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, ये हम लोगों ने प्रसाद दे दिया है, और अभी अंदर में जाएंगे जो कि माता के मंदिर में। बारे में बताइएगा माँ छिन्नमस्तिका माता का मंदिर। मंदिर जो है ना, इनका ओरिजिनल मंदिर जो है रजरप्पा में जी, और यहाँ स्थापित करके 2000 सन में बैठाया गया है। तो ये जो माता का जो सिर कटा हुआ है, ये सब के बारे में। माता का जो सिर जो है कटा हुआ जी, माता का जो दो सेवक जो है इंगला और बिंगला जी, इन दोनों को धूप मिटाने के लिए माता अपने सर को काट करके जी रक्त का दर्पण करवाते जी। तो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हाँ, शक्तिपीठ मंदिर है। और भारतवर्ष में सिर्फ दूसरा ही स्थान है जो कि मंदिर दो ही जगह पर है, दो ही जगह। तो इस मंदिर के बारे में बताइए कि यहाँ भक्तों को आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। यहाँ जो है शक्तिपीठ है, और लोग अपने मन्नत के लिए मशहूर है जी, क्योंकि माता का जो भी मन्नत लोग मानते हैं वो पूरा होती है, पूरा होती है जी, जो कि एक पाया पर ही स्थित है, एक पाया पर स्थित है। 108 पिंडी जो है माता के नीचे वाले भवन, वहीं से जी बीच में 10 महाविद्या मंदिर है माता का जी, उसके बाद माँ छिन्नमस्तिका। ठीक है बाबा, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं माँ छिन्नमस्तिका की प्रतिमा। तो ये आप लोग देख सकते हैं जो माता के सिर कटा हुआ है, तो माता के हाथ के दाहिनी हाथ में जो तलवार है, इसी से अपने जो कि सिर को काट के, जो कि उनके सेवक जो कि इंगला और विंगला को जो रक्तपान कराया था क्योंकि उनको भूख लगी थी, तो माता ने अपने ही हाथ से अपने सिर को छिन्न कर लिया। इसीलिए इस मंदिर का नाम जो है वो छिन्नमस्तिका माता मंदिर पड़ा। तो दोस्तों, माता के इस रूप के दर्शन करने के बाद एक बार बोलिए जय माता दी। ये जो आप देख रहे
हैं क्योंकि नारियल में चुनरी करके बांधाया हुआ है। दोस्तों कहा जाता है कि इस मंदिर में ये जो बांधने पे जो भी मुराद जो होती है, जो आप लोग माँ छिन्मस्तिका से मांग सकते हैं और ये मुराद जो भी पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बांध के चुनरी में नारियल बांध के और वो लोग जिसकी मुराद होती है वो मांगते हैं और माँ जो कि मुराद को पूरा करते हैं यहाँ पे देखिए। और ये आप लोग देख सकते हैं भगवान गणेश और भगवान हनुमान जी की प्रतिमा, तो बहुत सारी ऐसी प्रतिमा हैं ये आप लोग देख सकते हैं। और इसके बगल में जो ये आप लोग राधा और कृष्ण की प्रतिमा, तो राधा कृष्ण की प्रतिमा। और यहाँ पे जो कि मंदिर की चारों ओर परिक्रमा करने के बाद अगरबत्ती जो है इसी में खोज दिया जाता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और उसके बगल में जो है ये शिवलिंग की स्थापना हुई हुई है और यहाँ पे देखिए पूजा हो रही है, तो ये आप लोग भगवान भोले शंकर के दर्शन कर लीजिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं मंदिर का नज़ारा जो कि यहाँ पे पूजा हो रही है, तो ये आप लोग देखिए। श्री दस महाविद्या मंदिर, तो दोस्तों माँ छिन्मस्तिका मंदिर के भी नीचे जो कि माँ की प्रतिमाएं हैं, जो कि 10 प्रतिमाएं हैं, जो कि चलिए अभी आप सभी लोग को वो माता के सभी रूपों के दर्शन करवाते हैं। तो आप लोग छिन्मस्तिका माता मंदिर आइएगा, तो नीचे जो कि पाताल में भी प्रतिमाएं हैं माता की, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये पहले माँ महाकाल भैरव, महाकाल भैरव के आप लोग दर्शन कर लीजिए। और इसके बगल में जो कि माँ बंगलामुखी, ये आप लोग देखिए माँ बंगलामुखी, तो इनके दर्शन कर लीजिए। और ये माँ महाकाली की प्रतिमा, और ये माँ भुवनेश्वरी, और उनके ठीक सामने जो कि है इधर माँ मातारा, तो माँ मातारा के दर्शन कर लीजिए आप लोग। और ये आप लोग देखिए माँ धूमवती, तो ऐसी कई सारी प्रतिमाएं हैं। माँ भैरवी की प्रतिमा दर्शन कर लीजिए। और ठीक बगल में जो कि माँ पौंडसी की प्रतिमा, तो ऐसे ही 10 प्रतिमाएं हैं माता के रूपों का। तो ये माँ भुवनेश्वरी जो कि मैंने करवाया था, तो एक बार और कर लीजिए। श्री श्री 108 पिंड स्वरूप माँ भगवती मंदिर, तो दोस्तों इसके नीचे भी एक सीढ़ी दिया गया है जो कि नीचे माँ के पिंड है, तो आप लोग को चलिए माँ का पिंड के दर्शन करवाते हैं जो कि नीचे पाताल में है। तो ये आप लोग देखिए माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली और महा सरस्वती की पिंड, तो ये आप लोग दर्शन कीजिए। और ये आप लोग देख सकते हैं, तो इसके जो कि बगल में जो है वो देखिए यहाँ पे और भी पिंड है माता के रूपों का। तो दोस्तों ये देखिए जो कि जैसा कि पुजारी जी ने बताया था कि एक पिलर पे जो कि पूरा मंदिर की स्थापना हुई हुई है, तो ये आप लोग देख सकते हैं जो यही एक पाया है जिसपे एक मंदिर जो पूरा स्थित है माँ छिन्मस्तिका का, जो कि बाबा ने बताया जो कि पाया पे जो कि पूरी मंदिर जो कि स्थित है माता का। तो दोस्तों नीचे जो कि माता के पिंड का स्वरूप का ही दर्शन होगा, तो आप लोग आइए माँ छिन्मस्तिका मंदिर। तो माँ छिन्मस्तिका के मेन स्वरूप के दर्शन करने के बाद नीचे जरूर दर्शन करिए जो कि माता का 10 स्वरूप, और ये नीचे जो कि पिंड है माता का, तो आप लोग ये दर्शन कर लीजिए इस वीडियो में पहले। ये आप लोग देखिए प्राण प्रतिष्ठित माँ भगवती स्वरूप, तो ऐसे ही कई सारी माँ की जो कि पिंड है, और ये यहाँ पे हवन होता है और ये पिलर जिसपे मंदिर स्थित। तो आप लोगों ने देखा मंदिर के बारे में, मंदिर का जो इतिहास है और मंदिर का जो महत्व है वो बाबा ने बताया यहाँ के पुजारी जी ने। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है ये आपको बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा भाई को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।